बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक ग्रेट सोलर के इस चैनल पे हम एक और लाइव टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं अपने उन फ्रेंड्स के लिए जिन्हें शक था कि हमारी जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें हमने जिनको को बदनाम करने की कोशिश की है और हमने जो पैनल्स शो किए वो जिनको के बी ग्रेड पैनल्स नहीं थे, हमने कोई स्टिकर लगा के कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की है, तो बहुत सारे जो डीलर्स थे वो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो आज उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको गौर से देखें। ये पैनल्स इसके अंदर भी जले हुए हैं, जो जले हुए पैनल्स हैं वो भी मैं आपको शो करवाता हूँ। ये एक और साइड पे लगे हुए हैं और हमारे सेम क्लाइंट के हैं, तो यहाँ पे भी दो पैनल्स जले हैं। और यहाँ पे जो हमने पैनल्स निकाले हैं क्योंकि हम ये वो डिसहार्ड हो चुके हैं, नए पैनल्स हम यहाँ पर डाल रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो जो पुराने पैनल्स हम रिमूव कर रहे हैं उनका हम एक लाइव टेस्ट करते हैं कि आपको पहले उनके स्टिकर्स दिखाएँ, फिर हम आपको उनकी परफॉर्मेंस चेक करवाएं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस थी और क्या परफॉर्मेंस है। अब जलने का रीज़न क्या है, क्योंकि वो बी ग्रेड है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये मैं पैनल साफ़ करवा रहा हूँ ताकि जब हमारा ये लाइव टेस्ट हो तो आपको अच्छे से इसका एक्यूरेट रिज़ल्ट मिले, ताकि कोई डबल जो है वो पॉइंट आउट ना रहे। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाऊँ, ये दो डिफरेंट कलर मार्किंग आप देख रहे होंगे कि एक रिफ्लेक्शन कर रही है और एक रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो ये थोड़ा सा सेल आपको मैं नज़दीक से दिखा दूँ, ये देखें, ये दोनों के सेल्स में थोड़ी सी रिफ्लेक्शन और सेल क्रिएशन के अंदर थोड़ा सा मेजर डिफरेंस आ रहा है। ये इसका जो सेल है वो रिफ्लेक्ट करता है, ये आप देखें, ये अगर आप सेल को देख पा रहे हो, क्योंकि मुझे सूरज बिल्कुल मेरा अपोजिट है तो मुझे कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही वीडियो में, वैसे लाइव दिखाई दे रहा है कि सेल जो है वो अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, मुख्तलिफ इसके अंदर रिफ्लेक्शंस के लेवल्स आ रहे हैं। तो ये सेल इसका है, जबकि दूसरा पैनल उसमें ऐसी एज सच रिफ्लेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है जो मैं विजिबली देख रहा हूँ। ये दो डिफरेंस है, इन दोनों पैनल्स को जो है मैंने उल्टा करके भी रखा है, तो दोनों के स्टिकर्स में फ़र्क है, एक का स्टिकर बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है, एक का कलर्ड है। तो ये एक जो रिफ्लेक्ट कर रहा था ये उसका स्टिकर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये उसका स्टिकर देखें कि आप इसके पीछे जिनको पेस्टेड है इसका सीरियल नंबर है। अब ये ए है या बी आई डोंट नो, 325 है, लेकिन जो मुझे लग रहा था ये ओवरऑल ये सारे बी ग्रेड पैनल्स हैं। तो ये इसका स्टिकर है एक पैनल का। अब मैं दूसरे पैनल की तरफ जा रहा हूँ जिसका कलर्ड स्टिकर है, तो ये जिनको ये भी जो है 325 है, लेकिन इसका ये स्टिकर्ड कलर्ड है। अब हो सकता है किसी डीलर ने दोनों को मिक्स करके दे दिया हो, इन्हें ए भी हो इसमें बी भी हो, तो ये दोनों का जो है वो माल मिक्स है। और इनके जो डैमेज पीसीज हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में शो करता हूँ और हम इसका लाइव टेस्ट भी करेंगे कि ये हमें क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अच्छा, ये पहले पैनल का ये आप देख लें कि ये भी सेल जो है यहाँ से ख़राब हो रहा है, ये देख लें, ये बिल्कुल क्लोज व्यू है इसका, ये देखें यहाँ से इसका सेल जो है ये लाइन ब्रस्ट हो चुकी है, ये सेल जल रहा है। अच्छा, ये सेल जो जला है ये उस पैनल का जला है जिसमें सेल में रिफ्लेक्शन आ रही थी, जो मैंने आपको कहा था कि मल्टी कलर्स अंदर से डिस्प्ले हो रहे हैं सेल के अंदर। तो ये पहला पैनल है, दूसरा पैनल भी मैं आपको इंशाल्लाह चेक करवा देता हूँ ढूंढ के, क्योंकि हमने ये सारे उतार दिए थे, 18 पैनल्स थे, तो ये दो के ख़राबी की वजह से हमने सारे ये रिमूव कर दिए जिनके थे। तो अभी इन दोनों का लाइव टेस्ट करते हैं, एक में रिफ्लेक्शन है एक में रिफ्लेक्शन नहीं है, तो देखते हैं कि ओपन सर्किट क्या वोल्टेज दे रहे हैं और शॉर्ट सर्किट पे क्या करंट दे रहे हैं। तो अभी जो पैनल है जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं है सेल के अंदर, इसके हमने ओपन सर्किट वोल्ट चेक करने, तो ये ओपन सर्किट वोल्ट जो हैं वो इस वक्त हमें 39.4 शो कर रहा है। बात थोड़ा यहाँ घुमाए मुझे घुमाए इनके, हाँ रिफ्लेक्शन अच्छे पे यहाँ आइए कर, 39.4 जो है ये वोल्ट आ रहे हैं ओपन सर्किट में, ये उस पैनल के आ रहे हैं जिसके मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही। सर थोड़ा सा पीछे रहिएगा, 39 ये देख सकते हैं, 39.3 हम इसको 40 वोल्ट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट सर्किट करके चेक करते हैं, तो अभी हम इसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट में इसके आ रहे हैं 8.3 एम्पेयर आ रहे हैं। तो ये पहला पैनल है जिसको हमने चेक कर लिया है, तो 8.3 जो एम्पेयर्स हैं वो शॉर्ट सर्किट में ये पैनल हमें दे रहा है। जिस पैनल को हमने शॉर्ट सर्किट किया उसका स्टिकर मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूं कि ये उसका स्टिकर है जो कलर्ड स्टिकर है, इसको हमने अभी शॉर्ट सर्किट करके चेक किया था। अच्छा फ्रेंड्स, ये वो पैनल है जो जला भी हुआ था वो मैंने आपको दिखाया, और इसके सेल्स में भी रिफ्लेक्शन है, आप पीछे चेक कर सकते हैं। इसके जो ओपन सर्किट वोल्टेज हैं वो 39.2 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब अराउंड वही 40 वोल्ट इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब वोल्ट आउटपुट दोनों का एक ही है। अब हम इसको शॉर्ट सर्किट करके इसका एम्पेयर चेक करते हैं,
अभी हमने इसको शॉर्ट कर लिया है, तो इसका तकरीबन 8.35 एम्पेयर जो हैं वो शॉर्ट सर्किट में रिसीव हो रहे हैं। ये देखिए हमने इसको यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, तो 8.36 एम्पेयर ये हमें इसके रिसीव हो रहे हैं शॉर्ट सर्किट में। तो मोस्ट कॉमन टेस्ट है जो पूरे पाकिस्तान में तमाम इंस्टॉलर्स करते हैं और इसी हवाले से लोग इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं। तो ये हमने दोनों पैनल्स चेक किए हैं, अब फैसला आपने करना, अब फैसला आप लोगों ने करना है कि कौन सा ए ग्रेड है कौन सा बी ग्रेड है। मेरे लिए दोनों ही बी ग्रेड हैं क्योंकि हम दोनों को रिमूव कर रहे हैं और जो पैचेस जिसमें मैंने आपको दिखाया रिफ्लेक्शन आ रही है तो उसके तो पैनल जला हुआ वो भी आपके सामने, दूसरा भी मैं देख लेता हूँ कि साइड पर कौन सा पैनल है वो भी मैं अभी आपको शो करवा देता हूँ। तो बहरहाल मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ और आप ये देखें, देखिए जिनको का टैग है, मैं ये नहीं कह रहा ये जिनको बेकार कंपनी है जिनको ए ग्रेड पैनल्स बनाती है, लेकिन ये बी ग्रेड के पैनल्स हैं जिनके साथ ये इश्यूज आ रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेशन अगर देखी जाए तकरीबन देखें सेम आ रही है। अब इन दोनों में से कौन सा ए है कौन सा बी है खुदा जानता है, लेकिन जिस ट्रेडर ने दिए उसके ईमान को सलाम है कि उसने लालच के लिए जो है ना, अपने लालच के लिए एक इनोसेंट बंदे का जो है ना वो लाखों रुपये का नुकसान करवाया है। तो अगर वो बता के दे तो कोई मसला नहीं, अगर उसने ए ग्रेड बोल के बी ग्रेड दे दिए या कम पैसों के लालच में मिक्स करके पैनल चला दिए जिसमें ए भी हैं बी भी हैं और उसने पैसे ले लिए हैं, तो ये सारी ट्रेडिंग के अंदर हेरा फेरीज होती हैं जिसकी वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। इनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान के 90% जो ट्रेडर्स हैं जो ओपन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो जो हैं वो दो नंबरी के साथ जो है ना ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। मुझे दूसरे पैनल का भी पॉइंट नहीं दिखा अभी, चले मैं आपको ढूंढ के जो है ना वो अभी इसमें ऐड करता हूँ इस वीडियो में। जो मैंने आपको पहले दिखाए थे उसमें भी जलने का निशान था और इसमें भी जलने का निशान है, एक जो जला हुआ है वो रिफ्लेक्शन वाला, एक विदाउट रिफ्लेक्शन वाला, ये भी जला हुआ है। ये वो दूसरा पैनल है जो कि जला हुआ है लेकिन इसके सेल में रिफ्लेक्शन नहीं है और इसके साथ ही ये रिफ्लेक्शन वाला पैनल पड़ा हुआ है ये भी जला हुआ है। ये दोनों जले हुए पैनल अब इस वीडियो में आ गए हैं, अब जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो फैसला करेंगे दोनों में से कौन सा जेन्युइन है और कौन सा दो नंबर है। दोनों जिनको के पैनल्स हैं, आपने वीडियो स्टार्टिंग से देखी हो तो आप दोनों को एनालाइज कर सकते हैं, मैंने इसकी टेस्ट रिपोर्ट भी डाल दी है। मैं आपके कमेंट्स का मुंतज़र हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने इल्ज़ाम तराशियाँ भी की, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि किसी को झूठा साबित नहीं करना बल्कि मैं अपने आप को क्लियर कर रहा हूँ अपने पोजिशन को कि हमने दोनों जो बी ग्रेड पैनल इनको आइडेंटिफाई किया एज अ बी ग्रेड पैनल, तो ये वाकई बी ग्रेड पैनल है, मिक्स माल है, और अगर एक ए ग्रेड होता दूसरा बी ग्रेड होता तो दोनों ना जलते, तो ये दोनों पैनल जो हैं दोनों टाइप्स में जले हैं। तो अब आप फैसला करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।